है मैया की। अरे गिर गया, बंदा गिर गया। चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेम्परेरी चार्ज। और दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है, छुट्टियां होने वाली स्कूल की, तो लोग वेकेशन के लिए बहुत जगह घूम रहे हैं। और ऋषिकेश जो है अगर बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि दिल्ली के आसपास भी और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे इलाके से लोग यहाँ पे आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति से भी आते हैं और एडवेंचर करने भी आते हैं। तो फिलहाल आज मैं आया ऋषिकेश और मैं आपको ऋषिकेश के पूरा टूर करवाने वाला हूँ। आपको कहाँ होटल वगैरह रहना चाहिए, कौन कौन जगह घूमने वाली है, कितने टिकट लगने वाले हैं, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए आप घुमाते हैं आपको ऋषिकेश और कराते हैं डे टूर। तो दोस्तों, अगर आप नीर झरना जा रहे हैं तो ये रास्ता दिख रहा हो ना, ये आ रहा तपोवन से आ रहा है और लगभग 5 किलोमीटर के बाद आपको ये जगह ये बोर्ड दिख जाएगा नीर वाटरफॉल का। और ये जो रास्ता जा रहा है ये केदारनाथ वाला रास्ता है, और ये जो रास्ता देख रहे हो ये वाला, ये जाएगा नीर वाटरफॉल। तो यहाँ से लगभग जो नीर वाटरफॉल डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल। दोस्तों, मैंने नीर झरने के लिए एक स्कूटी हायर किया था, और स्कूटी जो मुझे पड़ा लगभग 600 रुपये का पड़ा है, और साथ में मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। और ये सबसे बेस्ट साधन है, मतलब अगर आप पूरा ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो मतलब तो बेस्ट है कि आप एक बार स्कूटी ले लें, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और आपका मतलब जो भी है समय पैसा जो भी है बचेगा। तो फिलहाल मैं स्कूटी जाना हुआ नीर झरना जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये नीर वाटरफॉल का यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है, और अगर आप इंडियन है तो 30 रुपीज़, अगर बच्चा है 5 से 10 साल का तो 20 रुपये, अगर फॉरनर है तो 50 रुपये लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप नीर वाटरफॉल आ रहे हो तो इस तरह की आपको पार्किंग दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ बाइक और वहाँ गाड़ी भी हैं, पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों देखो, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पीछे तक जो है गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर आप अपने कन्वेंस चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा ढाबे वगैरह खुल गए हैं, पहले नहीं थे जब मैं लास्ट 2 साल पहले आया था, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन हैं। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, घुमाते आपको नीर वाटरफॉल। तो दोस्तों देखिए, वो पूरा ऊपर का पानी ना बहते हुए नीचे देखिए यहाँ जा रहा है पूरा, तो बहुत ज़्यादा पानी है, काफ़ी ज़्यादा फ्लो है यहाँ पर। तो दोस्तों, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पर, टूटा फूटा सा है, और देखिए मैगी पॉइंट भी है बहुत सारे यहाँ पर। तो फिलहाल आपको संभल संभल के ऊपर चढ़ना है। देखिए बहुत सारे आपको मैगी पॉइंट मिलेंगे जगह जगह पर, बहुत यहाँ पर मतलब मज़ा आता है यहाँ पर मैगी खाने का, मतलब यहाँ पर टेबल वगैरह यहाँ पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये नीर वाटरफॉल। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का जो वाटरफॉल है, इस तरह के 3 आपको पूल मिलेंगे एक के बाद एक अलग अलग ऊपर। ये पहला पूल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा टॉप पे। इस तरह का 3 पूल है, इसलिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, 300-400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी। तो फिलहाल ये पहला सेक्शन है जो आप देख पा रहे हो, तो बहुत से लोग यहीं पे नहा रहे हैं। भैया की जय। सो भाइयों, मुझे कुछ भाई मिले हैं यहाँ पर जो नीर वाटरफॉल घूमने। भाई कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया भैया, गजब नजारा। जो भी ऊपर एक बार ही आएगा तो श्रेष्ठ का बिल्कुल बार। अच्छा, जैसे हम लोग कैंपटी फॉल जाते हैं, वो क्राउड है, यहाँ से बेटर है कि नहीं? बहुत बढ़िया जगह है सर, एक बार अगर जाओगे तो आपका बहुत मन करेगा। बढ़िया रश है, आपने नहा लिया? हाँ जी, नहीं नहीं अभी जा रहे हैं सर नहाने के लिए, चढ़ाई करें ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाएंगे वहीं नहाएंगे। चलिए देखिए हमारा। सो दोस्तों, आपको जगह जगह पे देखिए टी स्टॉल, मैगी स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा। अब जो हम पहुँचे, दूसरा वाला है पॉइंट है नीर वाटरफॉल का, ये देखिए। सो अगर आपको नीचे जगह नहीं मिलता है आप सेकेंड वाले पर आइए, और यहाँ भी नहीं मिलेगा तो और ऊपर जाइए। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी काफ़ी अच्छा फ्लो है, ये देखिए। वाह, ये देखिए सबसे टॉप पे भी है दोस्तों वहाँ पर। तो दोस्तों, ये है सबसे टॉप का और लास्ट सेक्शन, और सब बहुत लोग यहाँ काफ़ी नहा रहे हैं, और बिल्कुल कैंपटी फॉल की तरह लग रहा है ये। तो दोस्तों, यहाँ भी एक पुल है लोहे का क्रॉस करने के लिए, और मुझे तो इससे बेटर इसके नीचे लग रहा है, फ्लो अच्छा है वहाँ पर फिलहाल। दोस्तों, मैं हूँ नीर वाटरफॉल में, मैं नहा रहा हूँ, सब मज़ा आ रहा है, ये देखिए।
इतना ठंडा है कि मेरी पूरी थकान जो हो गई। और यहाँ से देखो कितना धरना का फोन तो कितना ज़्यादा है यार, मज़ा आ गया ना आ गया यहाँ पे, ऐसे बता रहा। तो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश घूमने आते हैं तो नीर वाटरफॉल आपके बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक नेचुरल वाटरफॉल है और कैंपटी फॉल्स मुझे बेटर लगा। और अगर आप ऋषिकेश आए और अपने राफ्टिंग नहीं तो क्या करें दोस्तों, ये है पीछे में पवित्र गंगा नदी और इसमें होती है ज़बरदस्त राफ्टिंग। और अभी तो बिल्कुल सीज़न होगा राफ्टिंग का, तो हम लोग राफ्टिंग करने आए हैं। सो दोस्तों आप देख रहे हो ये जानकी सेतु ब्रिज है, और जैसे साथ में मैंने यहाँ पे एक इंडिया क्लब हाउस करके वहाँ से मैंने बुक किया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने जस्ट है जानकी सेतु ब्रिज, उसके सामने बिल्कुल यहाँ पे इंडिया एडवेंचर है और मैं यहीं से मैं अपना राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो हम लोग थोड़ा साइड जा रहे हैं, पहले हमें गाड़ी लेके जाएगी 9 किलोमीटर, और जो हमारा जो पॉइंट है वो है आपका राम झूला। तो ठीक है, फिलहाल राम झूला से हम जा रहे हैं, फिलहाल अपना जो ब्रह्म घाट है वहाँ तक जाएंगे। ब्रह्मपुरी तक बोलते हैं ना, हाँ, तो ब्रह्मपुरी जाएंगे और वहाँ से फिर हम बोटिंग करेंगे, राफ्टिंग करेंगे। और वो रही हमारी सामने गाड़ी खड़ी है, सामने बोट भी लगा हुआ है। चल और अभी रेडी टू गो, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी फॉर राफ्टिंग? यस। जय गंगे मैया की। यस। अपने वाले को देखो, क्या नाम है भैया आपका? तो हमारे जो गाइड है वो मनीष भैया है और हमारे साथ बहुत लोग राफ्ट कर रहे हैं। मैडम आपका नाम क्या है? आपका 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 राजू आपका तो गाइस आर यू रेडी? सो गंगे मैया की। गिर गया। राफ्ट आने वाला है, देखिए सामने। ओ माय गॉड, मैं तो बिना उसके बैठा हूँ, क्या होगा मेरा? ये क्या चल रहा है? बच गए, ना बच गया भाई साहब। डरना है, आप क्या करोगे? डर लगा? अरे भाई डर, लोहे का पुल आ गया। इसका बीमा नहीं होगा विजय। तो हमने राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है और 9 किलोमीटर का राफ्टिंग थी, बहुत मजा आया। और मेरे साथ जो भी मेंबर थे सारे एक से बढ़ के देखते थे, बहुत मजा आया। सामने देख रहे हो ये राम झूला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम जाने वाले हैं बेटल आश्रम, और वो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, वो है भूतनाथ टेम्पल, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले चलते हैं हम जानकी सेतु ब्रिज क्रॉस करते हैं, पहले चलते हैं बेटल आश्रम, उसके बाद मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन आगे के देता हूँ। बने रहिए। तो दोस्तों देखिए जानकी सेतु ब्रिज पे कितना शानदार हनुमान जी की मूर्ति है, साथ में राम और सीता जी की फोटो बनाई गई है, और हम बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानकी सेतु ब्रिज क्रॉस करेंगे, अगर आप इस साइड मुड़ते हैं अपने राइट साइड में, तो आप बीटल आश्रम पहुंच जाएंगे, टी पॉइंट पे जाएंगे तो। और अगर इस साइड मुड़ के आप सीधे जाते हैं तो भूतनाथ टेम्पल पहुँचते हैं। तो फिलहाल हम जाने वाले हैं बीटल आश्रम, जो कि हमारे राइट साइड पड़ेगा। तो दोस्तों ये 84 कोटिया बीटल आश्रम बोलते हैं इसको, और इस आश्रम ने मतलब दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंदर आपको मैं ऐसी 84 कोटियाँ दिखाने वाला हूँ, उसको देख के ना आपका दिमाग मुझे हिल जाएगा। आप कहोगे कि यार 1960 यानी 70-80 साल पुराने भी कुछ इतना एडवांस था हमारा योगा। और देखिए ये बाहर पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिलहाल हम चलते हैं, टिकट लेते हैं और टिकट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कितने की टिकट है। चलिए तो चलते हैं। तो दोस्तों ये है 84 कोटिया का मेन एंट्रेंस, और राजी टाइगर रिजर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजी नेशनल पार्क के अंडर आता है, और इस तरह की बहुत सारी कुटियाँ आपको देखने मिलेंगी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हर कुटिया के ना नंबर दिए गए, जैसे 21 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 18 है, अलग अलग कुटिया के अलग अलग नंबर हैं। इस तरह के 84 कुटिया 84 नंबर दिए रखे हैं। भाई साहब ये देखो क्या ज़बरदस्त बना रखा है।
सो दोस्तों देखिए बीटल आश्रम से देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है, पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है और गंगा नदी दिखाई दे रही है। सो दोस्तों जैसे बताया 84 कुटिया 84 नंबर आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा था और ये वॉशरूम वगैरह होते थे और ये रूम होता था और ऊपर अगर आप जाओगे तो मेडिटेशन काम था और देखो लाइट बैटरी होती थी उस समय, तो 1960 के दशक में दोस्तों ये इतना एडवांस था, टॉयलेट वगैरह सब कुछ था दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो बहुत एडवांस था। सो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो बीटल आश्रम ज़रूर आइएगा, बहुत ही शानदार जगह है, आपने ऐसा आश्रम नहीं देखा होगा जो 1960 के दशक में एक भारत को एक विश्वगुरु बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनी और आज जो योग गुरु जो इसी वजह से जाना जाता है इस आश्रम की वजह से बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए आप दूसरी चीज़ दिखाते हैं ऋषिकेश में और घूमने की जगह। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं भूता टेम्पल, वो मेन एंट्रेंस भूता था और ये देखिए सामने आपको दिखेगा भूता टेम्पल वहाँ पर, और लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र है, आपको पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी चढ़ाई ऊँची है और ये 13 माला का मतलब मंदिर है, तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरा 13 माला ऊपर दिखाएंगे, चलिए ऊपर चलते हैं। सो दोस्तों ये शिवालय है, यहाँ शिवलिंग है और चलते हैं भूतनाथ मंदिर ऊपर देखेंगे, चलिए ऊपर इस तरह की सीढ़ियाँ देते हैं हर मालिक है। तो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो ये है आपका भूतनाथ टेम्पल, और इसे भूतनाथ टेम्पल क्यों कहते हैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, और अगर आप यहाँ पहुँचा जाते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, सामने आपको जानकी सेतु ब्रिज दिख रहा है उसे क्रॉस करना है और थोड़ा सा आगे आके कल 2 किलोमीटर आप आओगे तो आपको भूतनाथ टेम्पल मिल जाएगा। सो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो ये है भूतनाथ टेम्पल, और ऐसा मान जाता है कि जो मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है, और जब शिव जी की शादी हो रही थी तो पूरी बारात यहीं रुकी थी, इस वजह से भूतनाथ टेम्पल कहते हैं, और क्योंकि उनके बारात में ज़्यादातर भूत वगैरह थे इस वजह से भूतनाथ टेम्पल कहा जाता है। और एक बार 13 माला बिल्डिंग है और मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब चलते हैं टॉप पर चलते हैं और वहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाते हैं आपको कितना सुंदर दिखाता है, बने रहिए वीडियो। तो दोस्तों ये जो भूतनाथ टेम्पल लगभग 13 माला की बिल्डिंग है, और एक चीज़ मैं नोटिस करी, हमने 13 माले चढ़ाई करी और एक बार भी मतलब थकावट नहीं, बिल्कुल आसान से मतलब प्रभु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी भोलेनाथ की, हम इतने आसानी से 13 माला एक बार में चढ़ गए, तो यार गजब है, शक्ति है इस मतलब मंदिर में, जरूर आइएगा यहाँ पर। सो दोस्तों यह परमात और यहाँ निकेतन और यहाँ पर आरती होती है जबरदस्त अच्छी वाली, तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों ऋषिकेश में ना 3 जगह आरती होती है, पहला तो एक परमात देखते हैं सामने जो शिव जी की मूर्ति दिख रही है सर सामने परमात निकेतन के गेट के सामने, और एक आरती वो वहाँ होती है दोस्तों है ना, और जो आपका टैक्सी स्टैंड है ना छोटी वाला रेस्टोरेंट के सामने ओमकार नाथ करके वहाँ पे होती है, और तीसरा होती है त्रिवेणी घाट में जो उस साइड होती है, तो फिलहाल मैं आपको त्रिवेणी घाट ले चलता हूँ और वहाँ से आपको लाइव दर्शन कराता हूँ आरती की। सो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप होटल कहाँ लें, दोस्तों अगर आप धार्मिक पर्पज़ से आ रहे हैं ना तो आप होटल लीजिए आप रामझूला के आसपास, अगर आप भूसा बुजुर्ग हैं या तो आप परमात्म निकेतन या गीता आश्रम में भी अप्लाई कर सकते हैं मेल के थ्रू, आपको रूम बहुत ईजिली मिल जाएगा, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप मेल कर देना और सस्ता ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप यंगस्टर हैं तो आप लक्ष्मण झूला तक लेना, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली यंग क्राउड ही आता है जो राफ्टिंग या एडवेंचर करने आता है, और आपको रात तक 11 बजे तक आप वहाँ घूम पाओगे, और यहाँ पे अगर 8 या 9 बजे तो राम झूला के आसपास अगर लेते हो तो वहाँ पे 8-9 बजे तक यहाँ पूरी शांति हो जाती है, बिल्कुल सब अंदर चले जाते हैं अपने होटल वगैरह में, तो अगर मेन क्राउड है वो आप आओगे तो वो आपको लक्ष्मण झूला पे देखने मिलेगा, तो यंगस्टर है तो आप लक्ष्मण झूला जरूर लेना, अगर आप यहाँ पर राफ्टिंग करने आ रहे हैं या एडवेंचर करने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं जो भी है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों परमात्मा कहते हैं कि जस्ट गेट के सामने देखिए भगवान बजरंगबली कितनी बड़ी मूर्ति है, और सामने देखिए उन्होंने सीना फाड़ के मतलब राम जी और सीता जी को दिखाया है, बहुत ही प्यारा मंदिर मूर्ति लग रहा है दोस्तों ये। सो दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और मैं फिलहाल हूँ त्रिवेणी घाट पर, आरती बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, और ये देखिए श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का, बहुत सी मूर्ति बनाई गई है, और देखिए भीड़ कितनी है मैं दिखाता हूँ आपको आरती का पूरा, देखिए भीड़ होगी।
दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और चाहते हैं कि इस तरह नई नई वीडियो आपको दिखाता रहूँ, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी वीडियो को शेयर करना, और जब ऋषिकेश आओ तो यहाँ ज़रूर घूमना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।